दोस्तों आज मैं आप लोगों को 6 अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पर किस तरीके से बना सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र हम किस तरीके से बना रहे हैं, तो इसको अगर आप अपने घर पर बनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें बहुत आसानी से आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी और ये सभी खादें पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल करने से पौधों में अगर किसी तरीके की फंगस या कीड़े लग रहे होते हैं या लग चुके होते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से इन खादों को तैयार करना है, तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों इन अलग अलग तरीके की फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए पहले नंबर पर केले के छिलके की खाद यानी कि बनाना पील फर्टिलाइज़र्स को लेते हैं। तो इन छिलकों की खाद को आप दो तरीके से अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आप केले के छिलकों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें और उसके बाद ग्राइंड करके इनका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लें, और जब भी आपको अपने किसी पौधे पर देना हो तो तुरंत पानी में इस पाउडर को डाइल्यूट करें और उसके बाद दे दें, तो पौधे को तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा तरीका होता है कि छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या फिर साबुत टुकड़ों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। उसके बाद आप 1 लीटर साफ पानी ले लें और उसमें 3 से 4 केले के छिलकों को अच्छी तरीके से 24 से 48 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए और पौधों पर फ्लावरिंग लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। 24 घंटे के बाद में आप उस फर्टिलाइज़र को यानी कि केले के छिलकों को छन्नी की मदद से छान लें और फिर जो नीचे का निकला हुआ पानी होता है इस पानी को आप हर 15 दिन के अंतर पर अगर आप अपने किसी भी फूल वाले या फल वाले पौधे पर देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, साथ में उसमें फ्लावरिंग भी पोटेशियम की वजह से जल्दी होने लगेगी। इसके बाद अगली फर्टिलाइज़र के रूप में हम चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको दो तरीके से तैयार किया जा सकता है, एक यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर, दूसरा फ्रेश चाय की पत्ती को लेकर। तो यहाँ पर मैं यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, धोने के बाद में धूप में सुखा लिया है जिससे कि इसमें दूध या फिर चीनी के कोई भी कण हो तो वो निकल जाएं। और अब इसकी फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 1 लीटर साफ पानी ले लिया है और उसमें 2 चम्मच इस चाय की पत्ती को डाल देते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच आपको चाय की पत्ती लेनी होगी। तो दोस्तों चाय की पत्ती में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, और इसमें एक एसिड भी पाया जाता है जिसको टेनिन नाम से जाना जाता है, और उसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की जड़ों में अगर किसी तरीके के कीड़े लग रहे होते हैं तो वो कीड़े नहीं लगते हैं। खासकर जब इसका इस्तेमाल हरी पत्तेदार सब्जियों पर किया जाता है तो उन पत्तियों की ग्रोथ और उन पे काफ़ी चमक आ जाती है। 24 घंटे बाद इस पानी को छान लेते हैं और छानने के बाद में जिस भी पौधे पर इस्तेमाल करना हो उस पौधे पर आप इसका इस्तेमाल हर 15 दिन के अंतर पर करें। दोस्तों अगली हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पोटैटो पील फर्टिलाइज़र यानी कि आलू के छिलकों की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बस इसके लिए आपको आलू के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी, और आलू के छिलके रोज़ ही हम सभी के घरों में निकलते हैं और इन छिलकों को फेंकने की बजाय अगर हम अपने पौधों पर खाद के रूप में इस्तेमाल कर लें तो हमारे पौधों को फ्री का फास्फोरस मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप आलू के छिलकों को ले लें और चाहे तो आप उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखा लें या फिर आप इनको ताजे छिलकों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप 1/2 लीटर पानी ले लें और उसमें 2 आलू के ताजे छिलकों को या फिर सूखे हुए छिलकों को पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों आलू के छिलकों में भी पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि सभी पौधों की रूट्स को डेवलप करने में काफ़ी मदद करते हैं।
तो इनको भी 24 घंटे के लिए छोड़ देना है भिगो के, और 24 घंटे के बाद इसको छान लेना है। और अब जो नीचे छना हुआ पानी निकलेगा, इसमें सारे पोषक तत्व तो आलू के छिलकों के आ चुके हैं। और अब जिस भी पौधे में इसको आपको देना हो उस पौधे में आप दे दें, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे की रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। दोस्तों चौथी फर्टिलाइज़र हमारी अंडे के छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो इस फर्टिलाइज़र को अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में देते हैं तो ये मिट्टी में डीकम्पोज छिलके काफ़ी देर में होते हैं, लेकिन अगर इसी की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को दे दी जाती है तो पौधे में कैल्शियम की कमी तुरंत पूरी हो जाती है। तो इस फर्टिलाइज़र को भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसको बनाने के लिए अंडे के छिलकों को पहले धोकर अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें, और सुखाने के बाद में आप इसका चाहे तो पाउडर बना लें या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर 1 लीटर साफ पानी में 24 से 72 घंटे के लिए इनको भिगोना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इनके जो छिलके के पोषक तत्व यानी कि जो इसमें कैल्शियम है वो काफ़ी देर में निकल कर आता है। और इसको पौधे पर देने से पौधे में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, अगर पौधा कमज़ोर होता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। और 3 दिन के बाद में इस पानी को छान कर जिस भी पौधे में आपको देना हो कैल्शियम की कमी नज़र आ रही हो तो आप इस पानी को आप दे दें, तो पौधे पर से कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। अगली फर्टिलाइज़र हमारे चावल के पानी की फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके की नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहलाती है, और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि चावल के पानी में काफ़ी कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इसमें 7 तरीके के प्रोटीन पाई जाती है, इसके अलावा इसमें फाइबर होता है, अमीनो एसिड होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम तो होता ही होता है। साथ में जो पौधों की जड़ों में लैक्टोबैसिलाई एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके लिए चावल का पानी काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये जड़ों के आसपास रहते हैं जो कि पौधों को हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो दोस्तों ये फ्री की फर्टिलाइज़र जिसको कि हम सभी लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि अपने पेड़ पौधों पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। चावल के पानी का अगर मनी प्लांट पे और करी पत्ते के पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो इन दोनों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। अगली और लास्ट फर्टिलाइज़र हमारी प्याज के छिलकों की बनी हुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का बगीचे में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्याज के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम के साथ सल्फर पाया जाता है जिसकी वजह से पौधों में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट होती है। साथ में सल्फर की वजह से पौधे हेल्दी रहते हैं, पौधों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, और प्याज भी हम सभी के घरों में रोज़ ही इस्तेमाल होता है। तो आप प्याज के छिलकों को ले लें, और ऐसे छिलकों को लेना है जिसमें किसी तरीके की फंगस या गीला कोई पार्ट ना हो। सूखे छिलकों को लेने के बाद में 1 लीटर साफ पानी में अच्छी तरीके से 2 प्याज के छिलकों को भिगो देना है, और 24 घंटे के बाद में इन छिलकों को पानी से हटा लेना है, यानी कि इनको अच्छी तरीके से छान कर फिर जिस भी पौधे में आपको देना है उस पौधे के गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें, और फिर मेन जड़ के पास में इसको धीरे धीरे करके देना होता है। इससे पौधे की जड़ों में अगर किसी तरीके की बीमारी लग रही होती है तो वो सल्फर की वजह से लगती नहीं है। दूसरा, पौधे पर जो पोटेशियम की कमी की वजह से फूल नहीं आ रहे होते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र की अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है हर 10 से 15 दिन के अंतर पर एक बार, तो उस पौधे में फूल भी आने लगते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जिनको कि फ्रेंड्स बनाने के लिए एक भी पैसे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी चीज़ें हमारे घर में फ्री की रहती हैं। और अगर इनका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर रेगुलर करते हैं